हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी क्या कैल्शियम के लिए दूध पीना ही जरूरी है। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए सभी पोषक तत्वों का बैलेंस होना जरूरी होता है और ऐसे में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है और इन्हीं पोषक तत्वों में से एक है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास के बोन मसल्स और टीथ के लिए। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए मिल्क और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट लेना जरूरी होता है, लेकिन अगर आपके बच्चे को दूध पसंद नहीं है या बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको मिल्क से एलर्जी होती है, बहुत अच्छे बच्चे हैं जिनको मिल्क सूट नहीं करता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? हमारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे फूड आइटम हैं जिसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आज इस वीडियो में मैं कैल्शियम रिच फूड के बारे में बताऊंगी कि मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट के अलावा और कौन से ऐसे फूड आइटम हैं जिसमें आपको कैल्शियम मिल सकता है आपके बच्चों के हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। उसको मैंने अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड किया है। नंबर वन, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां हमें अपने खाने में जरूर ऐड करना चाहिए। मैंने बच्चों के लिए भी बताया है कि आप अपने बच्चों के फूड आइटम में ग्रीन वेजिटेबल्स को जरूर ऐड करिए। वैसे वेजिटेबल्स जो डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, जैसे स्पिनेच, बथुआ, मेथी, ब्रोकली, लेडी फिंगर, बीन्स, इस सब में आयरन के साथ साथ कैल्शियम भी अधिक मात्रा में पाया जाता है जो आपके बच्चों के बोन मसल्स और टीथ के लिए फायदेमंद हो सकता है। सेकेंड, फ्रूट्स। फ्रूट्स के बिना दिन अधूरा रहता है, हमें अपने डेली डाइट में फ्रूट्स को ज़रूर ऐड करना चाहिए, लेकिन अगर आपके बच्चे मिल्क या मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं तो उनके बॉडी में होने वाले कैल्शियम के कमी को फ्रूट्स भी पूरा कर सकता है। फ्रूट्स के अगर बात करें तो वहाँ पे ऑरेंज, कीवी, मैंगो, कोकोनट के अलावा अनानास में भी कैल्शियम पाया जाता है। आप अपने बच्चे को ये सब फ्रूट्स दे सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर मील की। अगर आटा की बात की जाए, जो हम रोटी लेते हैं, तो रागी के आटे में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा आप बाजरा का आटा यूज़ कर सकते हैं और गेहूं के आटा में भी कैल्शियम पाया जाता है। अगर बात पर्ल्स की जाए तो दाल में भी कैल्शियम होता है, जैसे राजमा, छोला, मूंग की दाल और सबसे इम्पॉर्टेंट सोयाबीन। सोयाबीन के दाल में मिल्क के बराबर ही कैल्शियम पाया जाता है। बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स के, तो अगर आप अपने बच्चे को ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं तो वहाँ पे अगर कैल्शियम के अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट्स में आप मुनक्का, वॉलनट, आलमंड, पीनट्स, इसके अलावा तरबूजे का बीज, हम वाटरमेलन खाते हैं लेकिन उसके सीड्स को फेंक देते हैं, वहाँ पे उसके बेनिफिट है। आप उस सीड को भी अगर खाएंगे तो वहाँ से भी आपके बॉडी में होने वाले कैल्शियम को वो पूरा करता है। कुछ लोगों को मसाले के बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन मसाले में भी कैल्शियम होता है, जैसे जीरा, अजमाइन, लौंग, ब्लैक पेपर, इसलिए हमें मसाले का यूज डेली बेसिस पे करना चाहिए। इन सभी फूड आइटम के अलावा तिल भी एक कैल्शियम का अच्छा सोर्स माना जाता है। आप रेगुलर बेसिस पे तिल का भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके स्वीट्स ही बनाए, किसी भी फूड आइटम में थोड़ा सा तिल ऐड कर सकते हैं, या नॉर्मल अगर आप इवनिंग स्नैक्स दे रहे हैं बच्चों को, ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं, उसमें भी हाफ स्पून आप भुजा हुआ तिल बच्चे को दे सकते हैं खाने के लिए, वो भी बच्चे को कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। वीडियो यूजफुल लगे तो इसको लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो फूड आइटम मैंने बताया है उसके अलावा भी कोई ऐसा फूड आइटम है जिसमें कैल्शियम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।